हेलो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट सीरीज में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हम बना चुके हैं आपका एम मीटर और वोल्ट मीटर का पूरा इंटरनल कंस्ट्रक्शन पूरा दिखाए हैं। अब दिखाएंगे आपको पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, तो देखिए ये पावर फैक्टर मीटर है, ये पावर फैक्टर मीटर है, दिखाई दे रहा है। कॉस फाई वन मतलब होता है रेजिस्टिव लोड, ओके। और इधर लिखा है IND मतलब इंडक्टिव लोड के लिए दिखाएगा, और इधर CAP मतलब कैपेसिटिव लोड के लिए दिखाएगा। ठीक है, आप आते हैं, ये है स्पिंडल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा काटा का डिटेल्स। आप आते हैं इंटरनल में क्या रहता है। तो देखिए ये दोनों कॉइल दिखाई दे रहा है, इसको बोलता है फिक्स कॉइल, ओके। फिक्स कॉइल तो इसको बोलता है फिक्स कॉइल। इसका कनेक्शन कैसे रहता है, कनेक्शन देख लीजिए। चार को दोनों कॉइल का चार को सीधा रहता है, एक को कॉमन कर दिया यहाँ पर और दोनों निकल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, देखिए इसका बीच में भी दो कॉइल रहता है, दिखाई दे रहा है, क्रॉस करके दो वो कॉइल रहता है। ठीक है, इसको बोलता है मूविंग कॉइल, ओके। तो ये दोनों हो गया फिक्स कॉइल। इसका अंदर में भी रहता है दो कॉइल, इसको बोलता है मूविंग कॉइल। उसके साथ आपका देखिए ये क्या लगा है, स्पिंडल लगा है। फिर ये देखिए क्या स्प्रिंग लगा है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क के हिसाब से काम करता है। ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क हिसाब से काम करता है। ठीक है, उससे ही आपका ये स्पिंडल डिफ्लेक्ट होता है। ये स्पिंडल जो डिफ्लेक्ट होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, ये स्प्रिंग करता है इसको, इसलिए ठीक है। ये दो तब देखिए ये दो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या है आपका इंडक्टेंस। तो ये दोनों का कनेक्शन कैसे रहता है, अब आते हैं। तो देखिए क्या किया है, ये दोनों जो सिरा है इंडक्टेंस का, और इसके साथ क्या किया, रेजिस्टेंस का एक सिरा लेके क्या कर दिया, एक सिरा निकल दिया। ठीक है, अब आ गया रेजिस्टेंस का। तो ये देखिए इंडक्टेंस का है, जब आपका रेजिस्टिव लोड रहेगा तो ये जो दो अंदर का जो फिक्स कॉइल है, तो दो जो फिक्स कॉइल है उसमें क्या होता है, आपका फेज डिफरेंट क्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये जो काटा है ये पूरा वन का घर में दिखाता है। ठीक है, जैसे ही आपका इंडक्टिव बा कैपेसिटिव लोड हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये काटा अपना उसी सब इसमें ये जो कॉइल में फेज डिफरेंट क्रिएट हो जाएगा रोटेटिंग कॉइल में। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा, उस हिसाब से ये आपका इंडक्टिव लोड रहेगा तो इंडक्टिव दिखाएगा, कैपेसिटिव रहेगा अगर तो ऐसे वीडियो इधर चाहते तो कैपेसिटिव सब्सक्राइब दिखाएगा। एंड शेयर कर तो ये हो दीजिए। गया पूरा पावर।